हेलो फ्रेंड्स, एक नया जॉब चुनना शादी करने से कम नहीं है। बिकॉज अगर आपने नई कंपनी को चुनने से पहले ड्यू डिलीजेंस नहीं की, यू विल बी अप फॉर अ शॉकर। बिकॉज आप कंपनी ए से कंपनी बी जाते हो प्राइमरीली ड्रिवन बाय हायर रोल और हायर सैलरी, बट इन द प्रोसेस अगर कल्चरल इश्यूज आ जाते हैं देन आपकी सारी हैप्पीनेस गोज फॉर अ टॉस। एंड हमने सी ए जॉब पोर्टल में ऐसे हंड्रेड्स ऑफ केसेस देखे हैं जहाँ लोग जॉब स्विफ्ट तो कर लेते हैं बट इन द प्रोसेस दे एंड अप रिग्रेटिंग दैट डिसीजन कि यार कहाँ फंस गए। तो क्या हम लोग कुछ ऐसे चेक्स एंड मेजर्स डिप्लॉय कर सकते हैं जिसके माध्यम से हमें एटलीस्ट एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाए कि वॉट आर वी ऑप्टिंग फॉर इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग द कंपनी एंड देन अपना सिर पटकना यार कहाँ आ गए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर क्रिटिकल चेक्स जो मैंने ओवर द ईयर्स ऑब्जर्व किया है, डेवलप किया है। सो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके मेंटल प्रोसेस, मेंटल थिंकिंग और कंपनी जिसको आप ज्वाइन कर रहे हैं उसके कल्चर में कहीं कोई मिसफिट तो नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसी कंपनी ज्वाइन कर लें यहाँ पे लोग गुटखा खाते हैं एंड आपको गुटखा खाने से एकदम नफरत है, आपको लगता है अरे यार ये गुटखा कैसे खा सकता है, बट आप देखेंगे आपके कलीग्स गुटखा मुंह में दबाए मस्त बैठे हुए हैं, बोलते ही नहीं है, आपको बहुत खराब लगेगा एंड मे बी गालियां दे रहे हैं एंड इट माइट बी वेरी वेरी ओके इन दैट कंपनी फॉर इवन द ओनर्स और द टॉप मैनेजमेंट टू गिव एक्सप्लिसिटिव्स एंड आपको लगेगा यार ये लोग गालियां दे रहे हैं, मैं तो कहां काम करता था। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर एग्जाम्पल आप सेल्स जॉब में तो बहुत कॉमन होती है गालियां देना, तो क्या फिर आप रोने लग जाएंगे? दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। क्या आपने इन द पास्ट बहुत प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज में काम किया है? फॉर एग्जाम्पल आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में जॉब करते हो एंड सडनली आप एकदम प्रमोटर ड्रिवन गुजराती मारवाड़ी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हो, इट्स अ कंप्लीट सी चेंज। आप एक बहुत स्टेबल टाटा बिरला जॉब करते थे एंड सडनली आप एक स्टार्टअप ज्वाइन कर लिए हो जहाँ पे हाई ग्रोथ हाई ग्रोथ हाई ग्रोथ के नाम पे मैसिव स्ट्रेस है एंड यू डोंट इवन नो कि आपको ये जॉब कल रहेगा कि नहीं रहेगा। ESOPs आर लुक्रेटिव, सैलरीज आर लुक्रेटिव, बट योर मेंटल पीस हैज गॉन फॉर अ टॉस। क्या ऐसा हो सकता है कि उस कंपनी में इट्स ओके फॉर पीपल इन द रिस्पेक्टिव एरियाज टू मेक मनी, एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम वॉट एवर दे आर डूइंग? सो अगर कोई ट्रांसपोर्ट के बिल भुगतान है तो उसमें उसका कट है, और कोई अगर कुछ दूसरा वेंडर पेमेंट कर रहा है तो उसमें उसका कट है। अगर करप्शन इज लाइक कॉमन ऑन द शॉप फ्लोर, यू माइट बी लेफ्ट हाई एंड ड्राई। अगेन ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, ये सब चीज किसी को बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल हो सकता है कि भाई होता ही है ऐसा, बट कईयों को केस में इट माइट बी अ शॉकर। सो यू हैव टू रिमेंबर इट्स अ वेरी वेरी पर्सनल चॉइस। सो दैट्स नंबर वन। नंबर टू इज कि उस ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप के लोगों का प्रमोशन हुआ इन द पास्ट। क्या चमचा चेलास एंड क्रोनीज इनका प्रमोशन हुआ है एंड मेरिटोक्रेसी हैज गॉन फॉर अ टॉस? इन दैट केस अगर आप चमचा चेला क्रोनी बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं देन इट इज फाइन, बट अगर आप नहीं रखते तो क्या होगा, आपको साइड कर दिया जाएगा, काम करते रहोगे और कुछ नहीं होगा। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट हु आर द टाइप ऑफ पीपल हु हैव बीन प्रमोटेड इन द पास्ट इन दैट कंपनी। नंबर थ्री, ये समझो कि किस टाइप के लोग उस कंपनी को एग्जिट कर रहे हैं इन द पास्ट। अगर लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, तीन लेवल होते हैं कंपनी में। लेवल वन होता है वो एकदम टॉप पतला सा लेयर जो पूरा कंट्रोल करता है कंपनी का पावर, फाइनेंसेस, सब कुछ। लेवल टू होता है कंपनी में जो लेवल वन के साथ एकदम अलाइन हो जाता है एंड लेवल वन और लेवल टू मिलकर लेवल थ्री को जनता समझ के ट्रीट करते हैं। अब आपको यह समझना है कि अगर टॉप मैनेजमेंट लेवल वन लेवल टू मिलके ही सारा रिवॉर्ड्स ले जा रहा है, इन दैट केस आप एक वर्कर भी हो, मतलब आप काम करो तो अच्छा है, नहीं करो तो बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं है। इन दैट केस आपके लाइफ के काफी सारे प्रेशर्स एक ऐसे एनवायरनमेंट में खत्म हो जाएंगे जहां पे आपको वैल्यू ही नहीं किया जा रहा है। दैट्स नंबर वन कि क्या आप लेवल थ्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका फिर लेवल टू या लेवल वन बनने का चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है, एंड अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में लेवल टू ही काफी एग्जिट कर रहा है, ऐसा आप बहुत सारा कंपनीज देखेंगे सडनली टोटल मिड मैनेजमेंट एग्जिट करके डिफरेंट कंपनीज में मूव कर गया है, इन दैट केस
Is there some serious cultural issue in that company? And I will not take names, but there have been instances that we have noticed in the past where very, very professional, vibrant companies suddenly saw an exit of their mid-management. And you will see that the entire culture has gone for a toss. People just don't want to join that company. So, ये एक बहुत बड़ा important चीज़ है. Number 4, as racist as it might sound, but आपको ये समझना पड़ेगा कि इस organization का जो total top है, क्या वो एक particular caste, particular race से dominated है? Of course, हम लोग सब Indians हैं. But again, for example, अगर एक पूरा top Tamil Brahmin है, या महाराठी है, या गुजराती है, या महेश्वरी है, या अग्रवाल है, या उड़िया है, और आप नहीं हो वहां पे उस क्लैन में, तो आपको ऐसे ही मार्जिनलाइज कर दिया जाएगा. एंड हमारे पास तो बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी के एचआर ही बोलते हैं कि भाई हमें तो इस ही पर्टिकुलर कम्युनिटी का बंदा चाहिए, नहीं तो नया बंदा फिट ही नहीं हो पाएगा. तो यू हैव टू सी कि आपको उस कंपनी में फिट होने में, उस कंपनी में ग्रो करने के लिए दीज काइंड ऑफ थिंग्स, कास्ट, क्रीड एंड ऑल, ऑल्दो हमारा संविधान बोलता है सब कुछ समान है, सब कुछ सेम है, बट प्रैक्टिकली ये बड़ा चैलेंज है. नंबर 5, स्पेशली फॉर यंग पीपल, इसकी आप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो और एज अ नॉर्मल हायर, फॉर एग्जाम्पल आप सी ए फ्रेशर बन चुके हैं, आपने ज्वाइन कर लिया है, एंड उस ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेशल लीडरशिप कार्डर है जो रैंक होल्डर्स को एक लीडरशिप प्रोग्राम के रूप में देता है, या वो लोग MBA के टॉप टीयर स्कूल्स पे जाके वहां से रिक्रूट करते हैं, और उनकी सैलरी आपकी सैलरी से 2 times 3 times होंगी, प्लस उनका करियर पाथ बहुत वेल डिफाइंड होगा और आपको वर्कर बी के रूप में ट्रीट किया जाएगा. तो अगर उसी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें कि आप एक ही टर्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक ही टर्म के MBA हो, एंड आपके साथ बगल में बैठने वाला जस्ट बिकॉज उस कार्डर का पार्ट है आपसे ज्यादा पैसे कमाता है एंड ज्यादा फास्ट उसका करियर ग्रोथ है, तो इट कैन बी वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस हैज टू बी अ कॉन्शियस कॉल कि हाँ ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही होता है, मैं फिर भी चाहूंगा, फिर दुख नहीं होगा. एंड नंबर 6 इज द पॉइंट कि आप उन्हीं लोगों से बात करें उस ऑर्गेनाइजेशन में जो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ चुके हैं और खुल के उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं. अगर करेंट एम्प्लॉय से आप बात करोगे और मान लो उस ऑर्गेनाइजेशन में मिस्टर हिटलर इज एक्टिंग टॉप, जिससे सब डरते हैं, तो ऑफकोर्स दे आर नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग रॉन्ग अबाउट दैट कंपनी. वो लाइक कैवियटेड यस देंगे या यस देंगे, बोले आ जाओ, और बाद में बोलेंगे यार हमको तो ठीक ही लगता है, एंड देन यू से आपने हमें मिसगाइड कर दिया. बोला हम क्या करें, हम अपनी नौकरी बचाए कि तुमको देखें. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हु आर द पीपल हुम यू टॉक टू. एंड देन नंबर 7 इज द फैक्ट कि उस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ स्ट्रक्चर कैसा है. सो फॉर एग्जाम्पल कई ऑर्गेनाइजेशन में एक बैंड स्ट्रक्चर रहेगा एंड डेजिग्नेशंस भी रहेगा, एंड द रियलिटी ऑफ द मैटर इज दैट द डेजिग्नेशंस जस्ट डोंट मैटर बिकॉज इट इज दैट न्यूमेरिकल बैंड इन विच यू आर दैट मैटर्स. और आपको लगेगा फॉर एग्जाम्पल कि मैं मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन के जा रहा हूँ, मैं प्रमोट हो रहा हूँ, बट आपको पता चलेगा कि आपको सीनियर मैनेजर भी बैंड एफ में ही लिया है, और वहाँ पे मैनेजर्स भी बैंड एफ में ही होता है बिकॉज उनके लिए डेजिग्नेशंस डजंट मैटर, ए बी सी डी ई एफ उनके लिए ये मैटर करता है. तो तब क्या, एंड देन लेट्स से बैंड एफ में आपको 1,00,000 रुपया पर एनम का फ्लैट हाइक मिलेगा. सो अगर आपके 25,00,000 की सैलरी है, सो आपका वो हाइक होगा सिर्फ 4% का, एंड उसी बैंड में जो जूनियर मैनेजर्स होंगे उनका अगर 10,00,000 का सैलरी है, तो उनके वो 1,00,000 का हाइक 10% होगा, आपका 4%, उनका 10%. बट यही उस ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी और आप उसको बदल नहीं सकते कि वहां पे एक फ्लैट इंक्रीमेंट होता है लोअर बैंड्स, तब क्या कर सकते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझें कि उस ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की एग्जैक्टली क्या है. दिस इज व्हाट रियली मैटर्स. एंड देन इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि ऐसा ना हो कि आपको रिक्रूट तो कर लिया एक हायर सैलरी पे, एंड देन आपको फिर ताना दिया जा रहा है कि अरे तुम तो बहुत एक्सपेंसिव निकले यार, वैसा आउटपुट नहीं आ रहा है, एंड आपके कलीग से आपकी सैलरी ज्यादा है, इन दैट केस आपके कलीग्स आपको अपना नहीं मानेंगे, एंड दैट कैन बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑस्ट्रसाइजेशन. नाउ दैट कैन बी ओके इफ आपके पास एक गॉड फादर है जो आपको ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए, आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन में बैटिंग करेगा, दैट इज फाइन, बट अदरवाइज इट्स अ मेजर चैलेंज कि बॉस क्या हो रहा है ये. सो दैट्स इंपॉर्टेंट. एंड वहां पे लास्ट पॉइंट है कि एवरेज एज ऑफ पीपल क्या है. मान लीजिए मोस्ट ऑफ द पीपल देर आर नियरिंग रिटायरमेंट,
प्रोसेस आप अगर अपने अर्ली ट्वेंटीज में, लेट ट्वेंटीज में, अर्ली थर्टीज में जा रहे हो, आपके लिए तो नेक्स्ट 30 ईयर्स दिख रहे हैं, उनको दिख रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 8 ईयर्स, मैं और मेरा रिटायरमेंट, या मान लीजिए उस कंपनी का टॉप मैनेजमेंट ही रिटायरमेंट के बाद वहां ज्वाइन किया है, तो उसका तो एक्सटेंशन से एक्सटेंशन तक जिएगा, तब आपका करियर भी उस तरह से डूम्ड हो जाएगा। बट क्या ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत यंग पीपल होने से ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा? नॉट नेसेसरीली, बिकॉज बहुत यंग पीपल होंगे तो सब आपके जितने ही एम्बिशियस होंगे, एंड इन द प्रोसेस बहुत ज्यादा कटथ्रोट कॉम्पिटिशन भी हो जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो फ्रेंड्स, ये हमने जो मल्टीपल पॉइंट्स आज डिस्कस किए, मेरे को लगता है कि अगर आप इनको एक केयरफुल कंसिडरेशन देंगे, दे गोइंग टू रियली हेल्प यू इन अ बैलेंस्ड चॉइस ऑफ योर नेक्स्ट एम्प्लॉयर। ये वीडियो आपको अपने अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, सो दैट द एल्गोरिथम ऑफ यूट्यूब नोज दैट दिस कंटेंट इज वर्थ बीइंग शोन टू अदर्स, एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर नियर एंड डियर वंस, स्पेशली द नाइस इनोसेंट कलीग्स, फ्रेंड्स ऑफ योर, जिनको हो सकता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में इतना कुछ ना पता चले। इन दैट केस प्लीज फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एज वेल एज ऑन यूट्यूब, एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट मोर एंड मोर कॉन्टेंट अराउंड दैट। थैंक यू।